दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार तक पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में जो बदसलूकी हुई है, जो पिटाई कांड हुआ है, उसी को लेकर दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने जा रही है। सीएम आवास में ही दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी और वहीं पर अरविंद केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस की टीम सवाल जवाब करेगी। इसके लिए सुबह 11:30 बजे का वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया। देखिए, ये कहा गया कि जब स्वाति मालीवाल के साथ कथित पिटाई कांड सीएम आवास में अंजाम दिया गया, उस समय अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग भी सीएम आवास में ही मौजूद थे। इसी सिलसिले में परिवार के सदस्यों से अरविंद केजरीवाल के, जिसमें उनके माता पिता हैं, दिल्ली पुलिस की टीम आज सुबह 11:30 बजे सवाल जवाब करेगी। तो कुल मिलाकर मतलब ये कि स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में सियासी बवाल अभी तो और बढ़ने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। 13 मई वो तारीख जब केजरीवाल के घर पर जो हुआ उसके बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस इसके तार जोड़ने में लगी हुई है। केजरीवाल के पीए वैभव कुमार सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब जानने के लिए आज दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने जो अपना बयान दिया उसमें कहा है कि असॉल्ट से पहले जब वो घर के भीतर गई थी तब केजरीवाल की पत्नी सुनीता और केजरीवाल के माता पिता वहां मौजूद थे। ऐसे में आज दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने जा रही है। केजरीवाल के माता पिता ने दिल्ली पुलिस को सुबह 11:30 बजे का समय दिया है। पूछताछ सीएम हाउस में होगी, लेकिन उससे पहले पूछताछ के विरोध में मुख्यमंत्री के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें कौन कौन नेता पहुंचे हैं इसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई और नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप सौरभ भारद्वाज की देख रहे हैं, इसी तरीके से संजय सिंह से लेकर आतिशी तक पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर अब हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है केजरीवाल के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजनीति में इतनी दुर्भावना मैं समझता हूं पहले कभी इस देश के लोगों ने नहीं देखा होगा। केजरीवाल से लड़ते लड़ते केजरीवाल से के प्रति अपने मन में दुर्भावना इतनी बढ़ा ली है प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नोटिस भेजकर बुलाया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको अपमानित करने की योजना बनाई है, उनके बूढ़े माँ बाप को तंग करने की, परेशान करने की एक ऐसी कोशिश की है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 85 साल के बीमार बुजुर्गों ने स्वाति मालीवाल पे हाथ उठाया, क्या ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को? क्या ये लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? क्या उनको ये लगता है कि वो स्वाति मालीवाल जी जो सोफे पे ठाठ से बैठी हुई हैं, पुलिस वालों को धमका रही हैं, ललकार रही हैं, नौटंकी करने का ड्रामा कर रही हैं, क्या उन स्वाति मालीवाल जी पे 85 साल के बुजुर्गों ने हमला किया? तो यह आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। तो एक तरफ तो दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के माता पिता से सवाल जवाब करेगी और दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनका बयान भी आज दर्ज कर सकती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल की ओर से घटना के वक्त उनके घर पर मौजूद रहने की बात भी बताई गई है। स्वाति मालीवाल ने जो बयान दर्ज कराया है मजिस्ट्रेट के सामने उसमें भी इस बात का जिक्र बताया जा रहा है स्वाति मालीवाल की तरफ से किया गया है कि असॉल्ट जब उन पर हुआ सीएम आवास में, उस समय मुख्यमंत्री के माता पिता और उनकी पत्नी वहां घर पर ही मौजूद थे। और इस बीच अब आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, वरुण जैन अरविंद केजरीवाल के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और साथ ही हमारे साथ दीपक रावत भी मौजूद हैं, वो भी सीएम आवास पर ही इस वक्त मौजूद हैं। पहले वरुण के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जान लेते हैं वरुण जैन से कि दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या है, आज जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं अरविंद केजरीवाल के माता पिता के, उसके बारे में तो खबर आ ही रही है, साथ ही साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है क्या दिल्ली पुलिस आज ही? वरुण, देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11:30 बजे के आसपास जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो सीएम आवास पर पहुंचेंगे और यहां पर अरविंद केजरीवाल के माता पिता के बयान दर्ज करेंगे। सूत्र इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल के भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो पूरी वारदात हुई थी सीएम आवास में हुई थी और सीएम आवास के अंदर उस समय अरविंद केजरीवाल की पत्नी और माता पिता तीनों मौजूद थे। जो स्वाति मालीवाल हैं उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है कि जब वो बंगले के अंदर दाखिल हुई थी, अंदर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के माता पिता को नाश्ता दे रहे थे, उसने उन सबको हेलो बोला था, विश किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला और आज सारी हदें पार करके अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार माता पिता से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। पुलिस के द्वारा उनके बूढ़े मां बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, केजरीवाल जी के पिता की उम्र 84 वर्ष है। जब वो वॉक के लिए चलते भी हैं तो किसी का सहारा लेके चलते हैं, कानों से सुन नहीं पाते ठीक से। उनकी मां जिनकी आयु 76 वर्ष है, जिस दिन केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए उसके 2 दिन पहले उनका ऑपरेशन करके वो घर पे आई थी। अपनी मां से गिरफ्तारी के पहले अरविंद केजरीवाल जी मिल भी नहीं पाए और प्रधानमंत्री जी ने उनको जेल भिजवा दिया। आप इस हद तक उतर आए प्रधानमंत्री जी? इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से राजनीतिक दुर्भावना के चलते आज नौबत ये आ गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप से दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त मौजूद है। दीपक, जो बात संजय सिंह कह रहे हैं कुल मिलाकर सियासी तौर पर यही वो एजेंडा है अब जिसको आगे बढ़ाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी इस पूरे स्वाति मालीवाल पिटाई कांड पर? बिल्कुल रोमाना, अगर पिछले 1-2 हफ्ते की बात करें तो पूरी लड़ाई जो दिल्ली में चुनाव की लड़ाई है वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आ गई है। बीजेपी लगातार इसे भुनाने की कोशिश कर रही है कि एक महिला राज्यसभा सांसद से सीएम हाउस में मारपीट की जाती है, वो भी तब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर पर मौजूद थे अपने पूरे परिवार के साथ। अब बीजेपी ये कह रही है कि जब इस मामले में जाँच हो रही है और जाँच के बाद पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इससे पहले हंगामे की क्या ज़रूरत है। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि चुनावी मुद्दा अगर बनाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान ना हो, इसलिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही लाइन चुन ली थी, वो विभव कुमार के साथ नजर आई और अरविंद केजरीवाल इस बारे में कहते हुए नजर आए कि मामला जांच का है तो जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर आज जो नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगा है इसके जरिए एक बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी देने की कोशिश कर रही है। मैसेज ये कि हर बार चुनाव से पहले उनकी पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे वो इस तरीके से महिला सांसद के साथ बदसलूकी वाला आरोप हो, तो इस आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी एक सिंपैथी गेन करने की
भी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, उनको फंसाया गया है और वो वोट अपील कर रहे हैं, और थोड़े दिन जो उनको मिले हैं उसमें भी उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पर जो एजेंडा कहिए, स्टैंड कहिए, वो बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है स्वाति मालीवाल पिटाई कांड को लेकर। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह कहकर निशाना साधते हुए कि साहब राजनीतिक दुर्भावना के चलते अब बीजेपी ने नया हथकंडा अपनाया है और दिल्ली पुलिस के जरिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप को प्रताड़ित करना चाहती है बीजेपी। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड। लेकिन इस सबके बीच दिल्ली पुलिस की आज क्या तैयारी है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, वरुण जैन आप उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, जरा बताइए कोई फिक्स फॉर्मेट होता है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी और कितना वक्त लग सकता है इसमें? जो बयान दर्ज करने हैं आज अरविंद केजरीवाल के माता पिता, और यह भी कहा जा रहा है कि शायद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, वरुण? देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो दिल्ली पुलिस को कनेक्ट करना है कि कब स्वाति माल घर के अंदर आई थी, जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले वो कहाँ गई थी, जिन लोगों से सबसे पहले वो मिली यानी अरविंद केजरीवाल के माता पिता, उनके पास कितनी देर ठहरी, किस तरीके से उनसे बात हुई, उसके बाद स्वाति मालीवाल कहाँ चली गई। जैसा कि स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो ड्राइंग रूम के अंदर चली गई, तो क्या उनके माता पिता ने देखा वो ड्राइंग रूम के अंदर चली गई थी? ड्राइंग रूम के अंदर बाद में कौन दाखिल हुआ, क्या इस बात की उनको जानकारी है? क्या अंदर से किसी तरह की चिल्लाने की मारपीट की आवाज़ आ रही थी? क्या अरविंद केजरीवाल के माता पिता ने उसको सुना या नहीं सुना? अगर सुना तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके का एक्शन लिया? यानी कि अगर जो पूरा सीक्वेंस है जो स्वाति मालीवाल ने अपनी स्टेटमेंट में दावा किया है उसको अगर कनेक्ट करना है तो सिर्फ यहाँ पर जो मौजूद दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी उनके या नौकरों के बयान ही काफी नहीं हो जाते, घर के अंदर जो मौजूद है सभी लोग उनके बयान पुलिस दर्ज करना चाहती है, जिसे जो स्वाति मालीवाल अपने स्टेटमेंट में बता रही है और जो विभव अपने स्टेटमेंट में बता रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाए और जो कॉन्ट्राडिक्शन हो उसको विभव के सामने रखकर पूछताछ की जा सके। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जो बयान दर्ज कराया है उसी की पुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जो अब से कुछ ही देर बाद करीब घंटे भर बाद पहुंचेगी मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली के सीएम हाउस में और वहां पर अरविंद केजरीवाल के माता पिता से सवाल जवाब किए जाएंगे। ओबीसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान आ गया है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द कर दिए हैं और बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो कह रही हैं कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी। ममता बनर्जी का आरोप है बीजेपी एजेंसियों के जरिए अपना एजेंडा चला रही है, ओबीसी आरक्षण है और आगे भी रहेगा। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से 2010 के बाद जितने ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए उन्हें सबको रद्द करने का आदेश दिया गया है, लेकिन ममता दीदी कह रही हैं कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगी। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না, তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। तो फैसला हाईकोर्ट का आया है, ममता बनर्जी इसको बीजेपी की राय बता रही हैं और कह रही हैं ये बीजेपी की राय है, मैं इस राय को नहीं मानने वाली। वैसे हाईकोर्ट के इस फैसले पर ममता ये जो इनकार कर रही हैं, इसी इनकार के बाद बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ममता बनर्जी पर सवाल उठा दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूछ रहे हैं क्या ममता बनर्जी संविधान से ऊपर हो गई हैं, राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकंस्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है,
संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। राहुल गांधी ये संविधान की पुस्तिका लेकर के फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टिकरण को का पर्दाफाश होता है तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी।